दोस्तों, क्या आपने सांपों की ऐसी प्रजाति के बारे में सुना है जिसका अगर आप सर भी काट देंगे तो भी वह किसी भी इंसान को काट सकता है? और क्या आपने कभी ऐसे जीव के बारे में सुना है जिसके अगर आप 100 टुकड़े भी कर दोगे तो वह 100 के 100 टुकड़े अपना एक खुद का शरीर बना लेंगे? जब वह कटे हुए टुकड़े अपना खुद का शरीर बना लेंगे तो सोचिए ऐसे जीव को मारा कैसे जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे ही खास जानवरों के बारे में बताऊंगा जो कि मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं और जिन्हें देखने के बाद आप खुद की आंखों पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। क्या ये सच में होता है? दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेगा। दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। स्नेक्स। दोस्तों, सांपों की एक ऐसी प्रजाति है जिसका नाम है रटल स्नेक, जिसका अगर आप सर काट के इसके शरीर से भी अलग कर देंगे तो भी आपको ये काट सकता है। अगर आप सोचते हैं कि सांप के पिछले हिस्से में जहर होता है, इसको अगर इसके सर से अलग कर दे तो वह काट नहीं पाएगा, और अगर वह काटेगा भी तो उसमें जहर कम होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सांप के कटे हुए मुंह में भी उतना ही जहर होता है जितना जहर उसके जिंदा होने पर होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटल स्नेक के साथ ही ऐसा है, ऐसे और भी जहरीले सांप होते हैं जिनका आप सर काट के अलग कर देंगे तो भी वह किसी भी इंसान को काट सकते हैं। फ्लैटवॉर्म्स। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि अगर केचुए को बीच में से काट दिया जाए तो वो थोड़ी देर के बाद 2 केचुए बन जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन ऐसा फ्लैटवॉर्म्स के साथ होता है। ये फ्लैटवॉर्म्स ऐसे जीव होते हैं जिनके बच्चे उनके पेट से नहीं बल्कि खुद उनके कटे हुए शरीर से पैदा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा जीव होता है जिसके शरीर के आप जितने भी टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो इनका एक हर टुकड़ा अपना एक नया शरीर बना लेगा। इस जीव को आप कभी भी काट के नहीं मार सकते, क्योंकि आप इसको जितना ज्यादा काटते जाओगे इसकी संख्या उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। चिकेंस। दोस्तों, आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि किसी मुर्गे के सर कटने के बाद भी वह जिंदा रह सकता है, लेकिन ये एक सच्चाई है। एक मुर्गा था जिसका नाम था माइक, और इस मुर्गे की खास बात थी कि ये 18 महीनों तक अपने बिना सर के जिंदा रहा, क्योंकि चिकेंस का दिमाग उसके सर में नहीं बल्कि उसके गर्दन और सर के बीच में होता है, जिसमें अगर चिकन के ऊपर के भाग को अलग भी कर दिया जाए तो भी चिकन उसके रोज के काम जैसे दौड़ना, घूमना, बैठना, उठना और लिक्विड चीजों का खाना पीना कर सकता है। और यही हुआ था इस माइक मुर्गे के साथ। इसके सर को धोखे से काट दिया गया था और फिर भी वह 18 महीने तक जिंदा रहा था। सेलेमेंडर। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज होती है जिसके शरीर का अगर आप कोई भी अंग काट दो तो वह अंग वापस से निकल आता है और उसकी फंक्शनिंग भी पुराने अंग जैसी ही होती है। कुछ टाइम बाद वह अंग उसके कटे हुए अंग से और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। ऐसा सेलेमेंडर में एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से होता है, जिसमें जैसे ही उसके शरीर का कोई भी पार्ट कट के अलग होता है वह प्रोटीन उन सेल्स को वापस से बनाना शुरू कर देता है और फिर से सेलेमेंडर में उस नए पार्ट का जन्म हो जाता है। फ्लाइज। दोस्तों, मक्खियां भी उन जानवरों की तरह ही हैं जिनके शरीर का कोई भी अंग अगर अलग हो जाए तो भी वह जिंदा रहती हैं। आप चाहे इनके पंख को तोड़ दो, चाहे उनका सर उनके शरीर से अलग कर दो, फिर भी ये जिंदा रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि जब आप मक्खी के सिर को शरीर से अलग कर देंगे तो वह 1 या 2 घंटे में मर जाएंगे। एक मक्खी अपने सर के बिना कई दिनों तक जिंदा रह सकती है, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। इसके साथ भी ऐसा होने का रीजन कॉकरोच से मिलता जुलता ही है। फ्रॉग्स। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी चीज देखी है कि अगर हम मरे हुए मेंढक को किसी पानी में डाल दें तो वह हिलना शुरू कर देता है? कुछ ऐसा ही इस वीडियो में हुआ है, जिसमें मरे हुए मेंढक के पार्ट्स पर नमक डालने पे वह हिलने लगते हैं। मेंढक एक ऐसा जानवर है जिसके शरीर से आप अगर उसका दिमाग भी निकाल लेते हो तब भी आपको उसमें कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। वह उस समय पर भी वैसे ही काम करेगा जैसे वे अपने अंदर दिमाग होने पर करता है, और इन्हें अगर आप उल्टा भी कर दोगे तो भी ये सीधे हो जाएंगे कि इनके मर जाने के बाद भी कई घंटों तक इनकी बॉडी में जान रहती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। अगर आप सच में सब्सक्राइब किए बिना चले जाओगे तो मेरी मेहनत खराब हो जाएगी और आपका सपोर्ट मुझे कैसे मिल पाएगा। इसलिए प्लीज दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हमारी धरती पर मौजूद सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है कि ये 1 या फिर 2 नहीं बल्कि पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ पर मौजूद पेड़ इतने लंबे और घने हैं कि सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुँचने नहीं देते, और जब भी यहाँ कभी बारिश होती है तो उसे 10 मिनट से भी ज्यादा का समय लग जाता है उसे नीचे पहुँचने में। इसके अलावा भी यहाँ पर अक्सर लोगों को ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जो इंसान की समझ से एकदम परे है,
रिसर्चर्स का तो ऐसा भी कहना है कि इंसान अमेज़न के जंगल से ज्यादा तो मार्स के बारे में जानता है। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं अमेज़न में छुपे कुछ ऐसे ही रहस्य पर जिन्हें लोगों द्वारा जाने अनजाने में ढूंढ लिया गया। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, आपको लाइक करने में केवल एक सेकंड लगेगा। दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। बॉइलिंग रिवर। धरती पर मौजूद नदी ठीक वैसे ही है जैसे शरीर में बहने वाला खून। इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन अमेज़न के जंगलों में खोजी गई इस नदी को धरती का नर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कोई जीव इसके संपर्क में आता है तो उसे काफी दर्दनाक मौत मिलती है। एंड्रे सुजो नाम के इस जियो साइंटिस्ट को बचपन में इनके दादा एक ऐसी जानलेवा नदी के बारे में बताया करते थे जिसका पानी हमेशा उबलता रहता था। फिर बड़े होने के बाद इन्होंने नदी को ढूंढ निकालने का फैसला किया। पहले तो सबको उनकी बातें मनगढ़ंत लगने लगी और किसी ने भी इन पर यकीन नहीं किया। लेकिन 2011 में एंडरसन ने इस नदी को ढूंढकर अपने साथियों को हैरान कर डाला। उनका कहना है कि इस नदी का तापमान पूरा साल 80 से 100 डिग्री तक रहता है, जो कि इतना ज्यादा है कि कोई भी चीज इसमें गिरते ही मिनटों के अंदर राख में तब्दील हो जाती है। वैसे तो ऐसा तब होता है जब किसी नदी के आसपास कोई ज्वालामुखी मौजूद हो, लेकिन हैरानी की बात है कि इस नदी के दूर दूर तक ऐसा कोई भी ज्वालामुखी है ही नहीं। रिसर्चर्स इस बात से भी हैरान हैं क्योंकि इस नदी के अलावा धरती के किसी कोने पर ऐसी कोई नदी देखी ही नहीं गई, और वैज्ञानिक नजरिए से तो ये मुमकिन ही नहीं है। अननोन बर्ड। इस पक्षी को हाल ही में अमेज़न के जंगलों में ढूंढा गया है। अब आप पूछेंगे ये कौन सा पक्षी है, हमें तो कुछ नजर ही नहीं आया। तो यही तो खासियत है इस पक्षी की, ये खुद को छुपाने की कला में बड़ा माहिर है। इस बर्ड को जाना जाता है पोटू के नाम से, जिसे आज तक बहुत ही कम लोगों द्वारा देखा गया है, क्योंकि ये रात के समय में ही निकलना पसंद करते हैं और सारा दिन ऐसे ही किसी टहनी के ऊपर बिना हिले डुले और पलक झपकाए कई घंटों तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये इस पेड़ का कोई भाग ही हो। फिलहाल तो इस बर्ड के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी आंखें समय समय पर अपना रंग बदलती रहती हैं। जहां दिन में ये डार्क येलो होती हैं, वहीं रात आते आते ही इनका रंग ऑरेंज या रेड हो जाता है। इनका शिकार करने का तरीका भी काफी अलग है, जिसके लिए इनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, बल्कि आराम से एक ही जगह पर बैठकर अपना बड़ा सा मुंह खोल लेते हैं और फिर कीट पतंगे अपने आप इसके मुंह के अंदर चले जाते हैं। सिल्किंगे। अब एक नजर डालिए इस संरचना पर और जरा सोचिए कि ये आखिर है क्या। बीच में कॉटन के टावर के चारों तरफ एक बाड़ नुमा आकृति बनाई गई है, जैसे मानो यहाँ पर किसी चीज की रक्षा की जा रही हो। तो आपको बता दूं कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी जीव का है। इस टावर के नीचे मकड़ियों के अंडे को छुपाकर रख दिया जाता है, जिसके बाहर एक बाड़ को इसलिए बना दिया गया है ताकि कोई और जीव इस तक पहुंच ना सके। हालांकि इन अंडों में से मकड़ियों को निकलते देखा गया है, लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा मानना है इस संरचना को बनाने का काम मकड़ियों का तो है ही नहीं, और ना तो कभी मकड़ियों को इस तरीके से अपने जाल से दूर अंडे देते देखा गया है। उनका शक है कि इसके पीछे कोई और ही जीव है जिसे आज तक देखा नहीं गया है। वैसे तो सिल्किंगे को पहली बार 2013 में खोजा गया था, लेकिन तब से अभी तक इसको बनाने वाले जीव का राज ही है।